बात राहुल गांधी की ट्रेन हादसे पर राहुल गांधी ने अमेरिका से मोदी सरकार पर हमला किया है क्या कहा है जरा आप सुनिए सो आई रिमेंबर ए ट्रेन एक्सीडेंट वेन द कांग्रेस पार्टी वॉज इन पावर द कांग्रेस पार्टी डिड नॉट गेट अप एन से नाउ इट इज द फॉल्ट ऑफ द ब्रिटिश दट द ट्रेन इज क्रैश्ड नो द कांग्रेस मिनिस्टर आई रिमेंबर सेड It is my responsibility the train has crashed, I'm resigning. Right. So this is the this is the problem that we have back home. That we make excuses and we are not accepting the reality we are faced with. चित्रा लगातार हमारे साथ हमारे सहयोगी मौजूद हैं। चित्रा राहुल गांधी अब विदेश में बैठकर मोदी सरकार को घेर रहा हूं ये कह रहे हैं कि इसको लेकर जिम्मेदारी तय होनी चाहिए और ये सरकार जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं देखिए बिल्कुल उनकी ओर से लगातार न सिर्फ उनकी ओर से बल्कि उनकी पूरी पार्टी की ओर से एक तरफ रेल मंत्री का इस्तीफा मांगा जा रहा है और वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी अभी अमेरिका में हैं और उनकी ओर से बार बार सवाल खड़े किए जा रहे हैं यकीन जिस तरह की स्थिति बनी हुई है विपक्ष उस पर सवाल पूछेगा ही राहुल गांधी भी उसी तरह का सवाल पूछते हैं और रेल मंत्री का इस्तीफा मांगते हुए लेकिन इन सबके इतर जो दूसरी तस्वीर है वो भी हम देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी खुद यहां पर हादसे वाली जगह पर पहुंचते हैं वो पूरा जायजा लेते हैं सभी को निर्देशित करते हैं लगातार वो कई घंटे तक बने रहते हैं यहां पर और उसके बाद रेल मंत्री को न सिर्फ रेल मंत्री बल्कि धर्मेंद्र प्रधान जो केंद्रीय मंत्री हैं ओडिशा के वो दिग्गज नेता है उनके साथ ही साथ स्वास्थ्य मंत्री यहां पर बने होते हैं देखिए अभी इन सबके विपक्ष को सवाल पूछने का अधिकार है वो सवाल लगातार पूछते रहेंगे पूछना भी चाहिए लेकिन इन सबके इतर जो आम आदमी है उसके जहन में यह है कि सबसे पहले जो लोग घायल हुए हैं जल्द से जल्द उन घायलों को ठीक किया जाए क्योंकि एक हजार से ज्यादा उनकी तादाद है पचास अभी भी ऐसे हैं जो जिनकी स्थिति क्रिटिकल बनी हुई है तो जल्द से जल्द उनको समुचित व्यवस्था दी जाए इसी के साथ ही कल मैं जब अस्पताल गई थी वहां पर अलग अलग लोग लोगों से बातचीत जब मेरी हुई तो वो लोग केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों की ओर से जो व्यवस्थाएं की गई हैं उसे वो संतुष्ट नजर आए पचास हजार रूपये का रेलवे की ओर से चेक उन लोगों को जितने भी घायल अस्पताल में भर्ती हैं सभी को दे दिया गया है समुचित इलाज की व्यवस्था की गई है दिल्ली से भी डॉक्टर्स की टीम यहां पर पहुंची हुई है जो लगातार नजर बनाए हुए है और रेल मंत्री को भी हमने देखा सुबह शाम लगातार घटनास्थल वाली जगह पर जाकर न सिर्फ उन्होंने जायजा लिया बल्कि कल रात में हरी झंडी भी दिखा दी और ये अपने आप में अभूतपूर्व है देखिये दो लोगों की जान का जाना यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है दोबारा ऐसी स्थिति हिंदुस्तान के भीतर पैदा नहीं हो इसको सुनिश्चित किया जाना चाहिए सरकार की ओर से भी रेलवे की ओर से भी बेहतर प्रबंधन किए जाने चाहिए लेकिन इसका दूसरा पक्ष अगर हम देखेंगे इक्यावन घंटे के भीतर रेल ट्रैक को पूरी तरह से दुरुस्त कर लिया गया क्योंकि रात भर वहां पर काम चलता रहा हम लोग काफी देर तक थे तो इस लिहाज से देखा जाए तो कामकाज काफी तेज हुआ है लेकिन अब जांच की जाए और जो सच हो कि आखिर दोषी कौन है उसका सच देश के सामने आना चाहिए ठीक है आप नजर बनाए रखिए तो अब फिलहाल ट्रैक चालू हो चुका है लेकिन इसको लेकर राजनीति शुरू से ही हो रही है और लगातार रेल मंत्री के इस्तीफे की बात भी विपक्ष उठा रहा है छोटे